संख्या है, द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, और पहले तो जांच करनी है कि इसका इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। फिर इसके अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे पता चलेगा इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है? तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो के। इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये अगर जीरो से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, टू एक्स स्क्वायर माइनस दो रूट दो एक्स प्लस वन बराबर जीरो बुक में यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये क्यों नहीं होना चाहिए? तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो से बड़ा या बराबर ही क्यों होना चाहिए, जीरो से छोटा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे द्विघात सूत्र था x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र था हमारे द्विघात। तो यहाँ पर इसका मान अगर जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, जीरो या जीरो से बड़ा आएगा तभी यह वास्तविक संख्या बनेगी। अगर इसका मान जीरो से छोटा यानी माइनस में आ जाएगा तो यह संख्या वास्तविक संख्या नहीं रहेगी, फिर यह काल्पनिक संख्या मानी जाएगी। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, हमें बता रही थी कि यहाँ पर बुक में x नहीं दे रखा है, तो क्या आप सही कर लेना x आएगा। तो फिर पहले अस्तित्व की जांच करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4a से बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो के। तो b स्क्वायर का मान, b का मान कितना है, ये होगा x का गुणांक है जो b का मान है। तो b स्क्वायर का मान माइनस दो रूट दो का होल स्क्वायर, फिर माइनस फोर गुणा ए का मान दो गुणा सी का मान, सी क्या है अचर पद और अचर पद कितना है एट। अब माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, दो का स्क्वायर चार, रूट दो का स्क्वायर दो, माइनस चार गुणा दो ये जीरो के जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब आठ माइनस आठ तो ये जीरो है, जीरो के बराबर है, तो इसके मूलों का अस्तित्व तो है। अब मूल ज्ञात करने हैं हमें, अब क्या करना है, मूल ज्ञात करने और कैसे, द्विघात सूत्र से ज्ञात करने हैं हमें। तो x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो एक्स बराबर बी का मान कितना है, माइनस दो रूट दो और एक माइनस पहले से है, तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस दो रूट दो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया, जीरो है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडररूट जीरो बटा दो गुणा ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या दो, एक्स बराबर माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या
यानी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे तो दूसरा भी सेम यही होगा, एक अपॉन रूट दो। हो गया दूसरे का पहला, नो टाइम करो आप इसको, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरे का दूसरा आप कर लेना, आपसे हो जाएगा आसानी से, और दूसरे का तीसरा हम कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरे का तीसरा क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तीन, और कंडीशन क्या दे रखी है, x बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। क्यों? अगर x जीरो के बराबर हो जाएगा तो वन अपॉन एक्स यानी वन अपॉन जीरो, और किसी भी संख्या के हर में जीरो हो तो उसका मान कितना आएगा, अनंत। उसका मान कितना आएगा, अनंत, और इसीलिए x बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये समीकरण दे रखी है हमें, द्विघात समीकरण है ये। ऐसे तो हमें पता चलता नहीं है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे यानी मेरे लिए से लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है। तो x प्लस वन अपॉन x बराबर तीन ये समीकरण दे रखी है हमें, लेसे कितना है x, x को x से गुणा किया, सॉरी इसके हर में कुछ नहीं है तो एक, a को x से गुणा किया था x, सॉरी a का भाग x में x बार, और x को x से गुणा किया था x स्क्वायर, प्लस x का x में भाग एक बार a को x से गुणा किया था एक बराबर तीन, x स्क्वायर प्लस वन बराबर ये x इधर भाग में दूसरी तरफ जाएंगे तो गुणा में, तो 3x आ गया। अब पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर 3x का पक्षांतरण करेंगे तो 3x इधर आ जाएगा, और किसका आ जाएगा, माइनस का, प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारे द्विघात इक्वेशन है, ये हमारे द्विघात इक्वेशन है इस समीकरण की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना करने पर, अगर इस समीकरण की इस द्विघात समीकरण की इस द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे हम, तो हमारे पास a का मान कितना आएगा, x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है एक, तो a का मान कितना आएगा एक, b का मान यहाँ पर भी x का गुणांक है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है माइनस तीन, c का मान अचर पद यहाँ पर अचर पद क्या है एक, ये abc के मान आ गए। अब हम जांच करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो के, तो b का मान माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, अब 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 9 में से 4 गया 5, तो ये 5 जीरो से बड़ा है इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब द्विघात समीकरण से हम सॉरी दराचार्य सूत्र से हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर b का मान माइनस 3 और एक माइनस पहले से
छोटा है इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूल ज्ञात ही नहीं करने क्योंकि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो नोट डाउन करो ये, इसके बाद इसका अगला करते हैं। b का मान जो x का गुणांक है और x
फिर माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 12 से गुणा सॉरी 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 तो यहां पर कितना आएगा 24 बड़ा और बराबर होने चाहिए 0 से तो 36 में से 24 गए कितने बचे 12 जो 0 से बड़ा है इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब द्विघात द्राचार्य सूत्र पे अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना ये। अब द्राचार्य सूत्र में मान रखेंगे करेंगे यानी
लगाएंगे या सूत्र लगाएंगे मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मान रखो x बराबर माइनस b का मान 4 सॉरी 2 का स्क्वायर सॉरी यहां पर b का मान रखेंगे, b का मान कितना है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान, ए का मान कितना है 1, एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है। सी का मान अचर पद माइनस 143 बटा 2 गुणा ए का मान 1 टू ए। तो x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 प्लस 4 गुणा 143 बटा 2। अब आप इधर से वीडियो पॉज करके इधर से नोट डाउन कर लेना, मैं आगे इधर बता देती हूँ आपको। माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 को 143 से गुणा करेंगे तो 572 बटा 2। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 और 576 किसका वर्ग है, 576 किसका वर्ग है 24 का, 576 किसका वर्ग है 24 का अपॉन 2 बराबर x बराबर माइनस 2 सॉरी इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 प्लस माइनस 12 बड़ा 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर क्या आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 12। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x बराबर
आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि बड़े भाग का वर्ग का दोगुना, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग के दोगुने से 164 अधिक है। 164 अधिक है तो 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं तो एक भाग x, दूसरा भाग क्या आएगा 16 माइनस x। एक भाग x है तो दूसरा 16 माइनस x। फिर देख क्या रहेगा, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना, बड़े भाग x स्क्वायर इसके वर्ग का दोगुना बराबर है छोटे भाग के वर्ग 16 माइनस x का स्क्वायर छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होने, ये अधिक है तो इसमें 164 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी बड़े भाग का वर्ग और छोटे भाग का वर्ग इन दोनों को बराबर करेंगे तो 164 छोटे भाग में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा भाग 164 अधिक है तो एक छोटा भाग में 164 जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² बराबर, यहाँ पर फिर सूत्र लग रहा है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे अब 16 का स्क्वायर, a की जगह 16 है, b की जगह x है, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2ab, 2 गुना 16 गुना x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। अब 2x² बराबर 256 और 164 कितने होते हैं? 120 माइनस 2 को 16 से गुणा किया 32 x प्लस x स्क्वायर। अब इनका पक्षांतर करेंगे तो 2x² माइनस x स्क्वायर प्लस 32 x माइनस 420 बराबर 0। x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का, 32 x माइनस का इधर आया तो प्लस का, 420 प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो बराबर क्या बचा 0। अब 2x² में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस 32 x माइनस 420 बराबर 0। ये क्या बनी? एक द्विघात समीकरण।